ए राजू बेटा, अपने घर चीनी खत्म हो गई है। जा और पड़ोस की आंटी से इस कटोरे में चीनी मांग कर ले आ। क्या? पिंकी के मम्मी से अभी लेकर आता हूँ। जल्दी आना, वहाँ टाइम मत लगाना। ठीक है मम्मी, तुम 2 मिनट रुको, मैं 2 घंटे में आया। ठीक है, जल्दी जाओ। अरे आंटी, आइटम तो दिखाई नहीं दे रही। क्या बोला? मेरा मतलब है कि पिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिंकी अभी किसी से नहीं मिल सकती क्योंकि उसका पीरियड चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना है इसमें बहुत तकलीफ होती है। मैं ट्यूशन की पीरियड की बात कर रही हूँ नालायक। अरे मैया, इतने जोर से मारा कि गाल का गोलगप्पा ही बना दिया। आजकल के बच्चे को कुछ लिहाज ही नहीं है, किससे क्या बात किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ तुम किस लिए आए हो? क्या? मैंने पूछा किस लिए? आपने पिंकी से मुझे मिलने ही नहीं दिया, वरना मैं 2-4 किस ले ही लेता। अरे कान खजूरे, मैंने पूछा किस लिए तुम यहाँ आए हो? अरे आंटी, मम्मी ने आपसे चीनी लेने भेजा है। चीनी लाने भेजा है तो सीधे सीधे चीनी नहीं मांग सकते थे क्या? हमेशा मार खाने वाला काम करते हो। छोड़िए आंटी, मैं आदत से मजबूर हूँ। उधर जाओ वरना तुम आगे जाके बहुत पिटोगे। खैर कटोरा लाओ, बहुत दिनों बाद तुम्हारी मम्मी ने चीनी मांगा है। ये लो, इसे पूरा भर देना। ठीक है ठीक है, अभी लाती हूँ। और क्या कर रही थी तुम्हारी मम्मी? मम्मी ने कहा था अगर वे चुएल चीनी नहीं दे तो तुम बगल वाले टाइम से मांग लेना। क्या तुम्हारी मम्मी ने मुझे चुड़ैल कहा? अरे आंटी, हो सकता है आप मेरी मम्मी को चुड़ैल जैसी लगती हो। ये ले अपना कटोरा, जाकर कहीं से भीख मांग कर ले आ। लगता है मेरा पापा को कहना पड़ेगा, पड़ोसन से चक्कर है इसलिए वो समझा देगी। पिंकी की मम्मी, ए पिंकी की मम्मी, मुझे चीनी लाओ। ये लो, अपना बेटा को समझा देना, ऐसी बात मुझे ना करे। ठीक है। बड़े दिन के बाद आई है होली। ससुरा तब से मुझे इंतजार था इस दिन का। आज मैं जीभ भर के पीऊंगा, किसी के पिछवाड़े में है दम जो मुझे बोलेगा। ये क्या जी, आज होली के दिन सड़क पर बैठकर तमाशा दिखा रहे हो? आज तो कम से कम घर पे बैठ के तो पी लेते। तेरी माँ की आँख साली, तू मुझे फालतू का प्रवचन न दे। अपने पॉकेट में से 500 की पत्ती निकाल कर दे, आज मैं जीभ भर के पीऊंगा। ध्यान से पापा, यहाँ पुलिस वाले भी घूमते हैं, पता लगे आकर तुम्हें उठाकर ले जाए थाने, फिर तुम्हारी पुलिस के सामने बने जाएगी होली। अरे पुलिस वाले माँ को सलाम, मैं कोई उनके पैसों को थोड़ी पी रहा हूँ जो मुझे उठाकर ले जाएंगे। मैं तो अपने लुटाई के कमाई के पी रहा हूँ, और मेरे जितनी भी सेटिंग है सबको बारी बारी रंग लगाऊंगा। तू चल बेटा, पड़ोसी अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलकर उनको भी रंग लगाना है। क्या बोली तू? पड़ोसी को रंग लगाएगी, अपना मुंह काला करवाएगी? हाँ मैं लगाऊंगी, और अपना मुंह काला नहीं लाल गुलाबी कराऊंगी। अरे पापा बुरा न मानो, होली है। अरे नालायक, तू मेरा औलाद है या पड़ोसी की? कल से तेरी माँ किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। अरे पापा, आप भी तो अपनी सेटिंग के रंग लगाने को इंतजार कर रहे हैं।